बैक टू माई चैनल, इट्स मी मुनी गोस्वामी। और अभी आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ग्रीटिंग कार्ड्स। तो यहाँ पे मैंने तीनों बैग पेपर बैग्स लिए और ये मैंने खुद से होममेड बनाया, ना हैंडमेड बनाया जो भी बोले, तो वो मैंने बनाए। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बनाऊंगी उसका वीडियो। और आपको यहाँ पे थोड़ा आवाज़ ज़्यादा रहेगा बिकॉज अभी मैं बस में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। और ये मैंने ब्राउन पेपर से बनाया जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कवरिंग बुक्स, और इसके अंदर ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप मेरे नेल्स देख सकते हैं, मैंने बनाए पर बहुत चुड़ैल जैसे दिख रहे हैं, बट या इट्स ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले यहाँ पे हूँ या वो यहाँ पे है, तो अभी हम लोग पहले ये वाला जो पेपर बैग है उसमें से निकालते हैं एक ग्रीटिंग कार्ड। सो ये है मेरा फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड जिसमें मैंने एक बारबी का ये भी लगाया है, एक्चुअली से हम पुल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा भी है, सो या लेट्स पुल इट, ये ऐसा कुछ है। और इसे ओपन करने के बाद ऐसे मैंने पुलअप्स बहुत सारे बनाए हैं एज यू कैन सी, और मैंने वहाँ पे 3D हार्ट भी बनाया था एज यू कैन सी। और बाजू में गिफ्ट बॉक्स भी है, मतलब ड्रॉ किया हुआ है, नॉट रियल में। तो इसे मैं फोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है मॉम यू आर बेस्ट समथिंग समथिंग। देखो मैंने 3D हार्ट बनाया। सेकेंड ये रक्षाबंधन का है, मैंने मेरे भाई के लिए बनाया हुआ है और उसने लिया था, और ये मेरा फेवरेट में आता है बिकॉज ये मैंने मेरे भाई के लिए बनाया था और ये बहुत, वो मेरे लिए कभी कुछ बनाते नहीं है इसलिए बहुत डिसेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये मुझे भी। और उस पर एक राखी जैसे मैंने ड्रॉ भी किया था। नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड है ये वाला, तो इसमें भी मैंने एक पुलअप किया। एक्चुअली मैंने मोस्टली सारे ग्रीटिंग कार्ड्स में ऐसा पुलअप करा हुआ है और मैंने एक्चुअली से स्टेपलर से चिपकाया था बिकॉज ऑफ दैट वो अच्छी तरह से ओपन नहीं हो रहा था। मैं छोटी थी इसलिए मैं बहुत यू नो अजीबोगरीब टाइप बनाती थी ग्रीटिंग कार्ड। तो ये और यहाँ पे मुझे वो खुद अजीब था, अजीबोगरीब ही बनाई थी ना। तो ये हमारा नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड है और यहाँ पे मैंने एक सर्कल शेप बनाया और वहाँ पे मैंने बहुत क्यूट क्यूट प्रीटी प्रीटी स्टोन्स लगाए और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा है अभी है। एंड ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने खुद से बना और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और ये मैंने कुछ लिखा है उसमें एक स्माइली सा फेस देगा और यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा है। एंड ये एक्चुअली वो रहता है ना, पुल करते हैं तो फिर सारे निकलते, तो मैंने वो किया हुआ था। सो एज यू कैन सी, और हम इसे पुल कर सकते हैं पर ये हो नहीं रहा था, देखो अच्छी तरह से ये नहीं हो रहा था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग बट इट वॉज नॉट गेटिंग ओनली। गाइस इंग्लिश समझ में आती है ना? कुछ भी बोलता है उसे छोड़ दो। तो मैं कब से ट्राई कर रही थी पर ये कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं ट्राई कर रही थी कि आपको दिखा सकूं बट इट वॉज नॉट ओनली डूइंग सो व्हाट आई कैन। और फिर हम नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड पे चलते हैं। तो ये मैंने गुड डे एक्चुअली मॉम के लिए मैंने बनाया था, ये बहुत कम मैंने लिखा हुआ है एंड बहुत ग्रीन ग्रीन हो गया है। एंड नाउ नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड बहुत पिंक पिंक हो गया है। इसमें भी मैंने एक पुलअप किया था और यहाँ पे बहुत अच्छे हाथ से मुझे बहुत अच्छे लगे ये, और ये पुलअप किया मैंने एंड ये हार्ट्स बहुत अच्छे। एंड इसे ओपन करने के बाद ये एक्चुअली वो ये जो है थ्रेड वाला उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये मैंने नोटबुक के पेपर से बनाया था, सो इट वॉज लुकिंग लाइक डोज लाइन्स वर देयर। तो ये और कुछ ऐसा था ग्रीटिंग कार्ड। नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है पिंक एंड ग्रीन शेड कलर में मैंने ये बनाया हुआ है। तो या एंड अभी मैं इसे ओपन करती हूँ। इसे ओपन करने के बाद ये बहुत ही प्रीटी सा लग रहा था और इसके मैंने ऐसे दो ये बनाए हुए थे जिसे हम ऐसे बुक ओपन करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने सबको हाईलाइट भी किया हुआ था, मतलब अंडरलाइन किया हुआ था, तो ये कुछ ऐसा था। और मैंने उसमें भी एक हार्ट डाला हुआ था
काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मूविंग टू नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड, ये भी मैंने रिसेंटली बनाया हुआ था। तो गाइस ये भी मेरा फेवरेट है और मैंने इसे ओपन करा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने अंदर पुल अप किया, बहुत ही लिखा हुआ था मैंने इसमें, और ये मेरे नेल पेंट के कलर से मैच हो रहा था। तो या एंड अभी मैंने जो पिछले वाले ग्रीटिंग कार्ड में जैसे बनाया था वैसे ही मैंने नीचे बनाया हुआ है, और ये मैंने साइड में बहुत कुछ लिखा है। ये हार्ट मैंने खुद से ट्राई किया था बनाना, बहुत ही अच्छा बना था। तो या और इसे बुक की तरह हम ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने सब ये रेनबो कलर किया था। एंड नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड, ये भी मेरा फेवरेट है, और ये एक्चुअली ब्लू एंड ऑरेंज किया था मैंने। इसके अंदर भी एक पुल अप डाला था, और ये भी एज अ बुक टाइप जो मैंने पिछले 3 या 2 ग्रीटिंग कार्ड में किया था। और यहाँ पे जस्ट फॉर यू एंड ऑल मैंने किया, एंड ये वाला मेरे डैड के लिए मैंने बनाया था एक्चुअली, एंड ये मेरा फेवरेट है, मतलब सबसे पहले ये मेरा फेवरेट बना था। या मेरा भी, मेरा एक्चुअली सबसे फेवरेट ही है या। और इसमें बहुत ही अच्छे हार्ट्स दिख रहे थे, और ये मैंने एक्चुअली ट्रायंगल शेप में बनाया, और ये इसके अंदर भी हैप्पी बर्थडे ही लिखा हुआ है। वेट लेट मी शो यू, आपको गाड़ी की आवाज़ आती रहेगी बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, आई एम सॉरी। तो इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, अभी हम इसको अंदर डाल देते हैं, अभी हम इसे ओपन करते हैं। गाइस अगर आपको व्लॉगिंग चाहिए तो आप कमेंट करो, तो मेरी बहन व्लॉगिंग के वीडियोस भी बनाएगी। और यहाँ पे मैंने ये पिक्चर चिपकाए थे और उसके ऊपर मैंने सब उसके अंदर उस बहुत कुछ लिखा था मैंने। एंड नेक्स्ट ये लास्ट है ये वाले पेपर बैग का, तो ये वाला है एक 3D ग्रीटिंग कार्ड, जो हम ओपन करके कुछ ऐसा बनता है, एंड इट वाज लुकिंग टू गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू प्रिटी एंड टू गुड। एंड ये वाला मेरा नेक्स्ट है, और यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा है पर नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये था मेरा उसमें फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड, और ये भी मेरा फेवरेट है। ये एक्चुअली मैंने मदर्स डे के लिए बनाया हुआ था, एंड यहाँ पे भी मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा था, और इसमें भी मैंने 2 पुल अप किए हुए हैं, पर उसमें ज़्यादा हैप्पी मदर्स डे हैप्पी बर्थडे नहीं लिखा, हैप्पी मदर्स डे। और इसके अंदर मैंने एज अ बुक ऐसे ओपन कर सकते हैं वैसे किया, पर वो ज़्यादा नहीं है। एंड आवर नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा, या ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड था ना, सेकेंड था, फर्स्ट अभी आएगा थोड़ी देर में। इसके भाषा जरा पंडा पॉज करके मजा आई आ जाएगा आपको। क्या करें, मेरे मतलब छोटी सी तो ऐसे ही रहता है। हाँ, बट गाइस इसने इतनी छोटी उम्र में बनाया, वो ही एक अच्छी बात है। और ये मैंने एक बोर्ड से बनाया हुआ था, गेम बोर्ड रहते ना उससे, और इसे एज अ बॉक्स था, इसे हम ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके कुछ इस तरह से बनाया हुआ था मैंने, एज यू कैन सी। और ये डायमंड आपको बहुत परेशान करता रहेगा। इट्स ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड, अभी जो आएगा वो फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड है मेरा जो मैंने बनाया हुआ था। इसको भी अच्छे से पॉज करके पढ़ना, इसको तो पॉज करके पढ़ना ही चाहिए आपको। तो ये इसे ओपन किया मैंने, और यहाँ पे सब लिखा हुआ है व्हाट एवर, एंड इसके बाद मुझे खुद को नहीं पता था मैं क्या लिख रही हूँ लिटरली। और ये मैंने ड्राइंग बनाई, मेरी ड्राइंग बहुत करा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्रिटिकेट में क्या नोटिस करूँ वो मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था। सो या
गई, गलती मिस्टेक हो गई यहाँ तो मतलब मेरी उम्र है चले गलती से मिस्टेक ओके रिलेटेड भी। और ये वाला ग्रीटिंग कार्ड मैंने एक्चुअली स्कूल में बनाया हुआ था, पर फिर मैंने इसमें कुछ और ऐड करके मैंने मॉम डैड के लिए बना दिया। सो एज यू कैन सी और यहाँ पे आपको साइन दिखती रहेगी मेरे टीचर्स की। सो या एंड नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड ये है, सो या हैप्पी फैमिली। एक्चुअली मैंने इसे गलती से उल्टा बना दिया था, आई डोंट नो व्हाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बनाने के बाद पता चला कि ये उल्टा है। ये तो उल्टा है एंड ये तो ये बहुत, इस पर मैंने इमोजी बनाई हुई एक और इसमें बहुत कुछ लिखा है मैंने। सबसे ग्रीटिंग कार्ड में कौन सी मेहनत लगी, कितनी मेहनत लगी? और ये वुमेन्स डे के कार्ड के लिए पता नहीं, वुमेन्स डे के कार्ड के लिए मैंने बनाया था यार। यहाँ पे वुमेन्स डे मैं खुद वुमेन्स कार्ड वुमेन्स कार्ड मैंने एक्चुअली लिखा हुआ था। सो या और फ्रॉम माई कैन निहार, मैं खुद बना दी थी और मैं मेरा नाम मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट दे रही थी तभी मैं क्या करूँ। ओ गॉड कितना लिखा हुआ है मैंने। गाइस मैंने भी इसमें थोड़ी हेल्प बहुत की थी, बहुत झूठ है नहीं की थी। और ये नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड है और उसका नेक्स्ट जिसमें भी मैंने बहुत लिखा हुआ है। हे भगवान क्या करेंगे। ओके ये वाला मेरा अभी जो आएगा वो मैंने नहीं बनाया, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड ने बनाया है बट उसने इसको गिफ्ट दे दिया। हाँ उसने मुझे गिफ्ट दिया, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था उसने मुझे दिया ये। और एज यू कैन सी उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उसने जो बनाया। सो या इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखा है बहुत ही ऐसे लग रहा है उसने कंप्यूटर से प्रिंट करा के लाई है, बट नहीं उसने कुछ किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये सारे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं मेरे पास। सो एज यू कैन सी इसमें बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर।